अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपर हिट ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है। शिब्रा पर किया जाने वाला जानलेवा हमला एक बार फिर नाकाम हो जाएगा क्योंकि शामीर वहां पहुंचकर उसको बचा लेगा। वो अपने बाप पर बहुत नाराज होगा क्योंकि उसने शिब्रा को अकेले एग्जाम के लिए जाने दिया। वो इस हमले का जिम्मेदार अपने बाप को ठहराएगा। दाऊद अली खान ये सब नहीं चाहता, वो अपने करतूतों की वजह से बेबस है। वो अपनी बेगुनाही और लालमी का अपने बेटे को यकीन दिलाएगा। शमीर जान जाएगा कि इस सब के पीछे निमरे और इसका बाप है, मगर वो इसकी पावर की वजह से अभी कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता। दाऊद अली खान ने सुल्मान साहब को मोहतात रहने का कहा था क्योंकि वो जानते थे कि सुल्मान के घर अब नई मुसीबत आने वाली है। पुलिस सुल्मान के घर छापा मारेगी और तलाशी लेगी। इसके बाद वहां से कुछ गैर कानूनी शराबी बरामद करके उन लोगों को थाने ले जाएगी। शमीर इस सब के बाद अपने बाप को सख्ती से तंबीह करेगा कि इस सब के पीछे जो कोई भी है वो इसको किसी सूरत माफ नहीं करेगा। निमरा और इसका बाप अपनी पावर और पैसे का इस्तेमाल करके शिब्रा, दाऊद और सुल्मान साहब के घर वालों को मजीद अजियत देंगे। आपके ख्याल में क्या शामीर इस हमले के बाद कोई जवाबी कार्रवाई करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।